विशाल जी, जल्दी से एक कमेंट आपसे। हालांकि देखें, अगर हम बीजेपी की तरफ से तो 80 से 100, 100 पर अपर एज पर लेकिन पहुंच रहे हैं, सेंचुरी पार करना पड़ता है। देखिए, मतलब किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा की उसको नहीं बताया गया, और भारतीय जनता पार्टी का, जैसा कि मैंने अभी पहले भी कहा था, घोषणा पत्र नहीं होता है, वो संकल्प पत्र होता है। भारतीय जनता पार्टी ने 2700 एमएसपी के बोनस की बात की कि नहीं की? भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में महिलाओं की सुरक्षा की बात की कि नहीं की? भारतीय जनता पार्टी ने जो गरीब हैं, जो उस मुख्यधारा में नहीं है, उनके केजी से लेके और जो है 12th तक के, पीजी तक के पढ़ाई की फ्री की बात की कि नहीं की? भारतीय जनता पार्टी रेवड़ी नहीं बांटती। भारतीय जनता पार्टी समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में लाकर उसको सशक्त करने का कार्य करती है। अभी आप मुझे बताइए, नौकरी की बात थी, जरा मैं जानना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है कितने लोगों को नौकरियां दी गई? क्या भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में 1.5 लाख सरकारी नौकरी की बात नहीं की गई है? और क्या भारतीय जनता पार्टी ने गैस सिलेंडर का दाम 450 रुपया नहीं रखा है? कहाँ की बात कर रहे हैं आप? तो भारतीय जनता पार्टी तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करती है। हम लोगों ने देखा है किस प्रकार से वहां पर जब जब हिंदू शोभा यात्रा निकलती थी, जब जब हनुमान जयंती की यात्रा निकलती थी, हनुमान जन्मोत्सव का, कैसे पत्थर बरसाए जाते थे। बताइए, ये तुष्टिकरण की राजनीति नहीं है तो क्या है? मैं तो पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में लाने का काम करती है, सशक्त बनाने का काम करती है। जातिगत जनगणना, अरे समाज को कितने खंडों में बांटेंगे आप? कोई तो मापदंड स्थापित करेंगे। हम लोग पढ़ते चले आए, अंजना जी समाज सुधार आंदोलन, ना जाने कितने लोगों ने जाति को समाप्त करने की बात की, और आज यहाँ पर देखिए जातिगत जनगणना। आखिर इन हाउ मेनी कंपार्टमेंट डू यू वांट टू डिवाइड अवर सोसाइटी? ये भारत है जिसका नाम है भारतवर्ष, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, लगातार रत रहने वाला, आप उसको कहाँ लेके जाना चाहते? चलिए ठीक है, जल्दी से आपको एक बार आंकड़े भी दिखा दे। विनोद जी, आप कुछ कमेंट करना चाह रहे थे, क्योंकि ये आंकड़े इशारा कर रहे हैं कि थोड़ा सा जिसको कहते हैं अंग्रेजी में डेड हीट वाला मामला है, लेकिन अपर एज अगर 86 और 80 पर लोअर एज है, और उधर 100 और 106 है, क्या समझ में आ रहा है आपको? देखिए, दोनों राज्यों में, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो हमने देखा है, जो अपना ये एग्जिट पोल है, अगर ऐसे ही नतीजे आते हैं, हाँ। दिशा तो एग्जिट पोल की यही है, हाँ। नंबर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, तो एक बात माननी पड़ेगी कि वोट पॉजिटिव वोट माना जाएगा। मतलब पिछली बार जो कांग्रेस जीती थी इन राज्यों में तो नेगेटिव वोट पे जीती थी, चूंकि सरकारें बीजेपी की थी और उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी थी। इस बार ये प्रो इनकम्बेंसी माना जाएगा, चाहे अशोक गहलोत की सरकार हो, चाहे भूपेश बघेल की सरकार हो, और खासकर राजस्थान को लेकर, जहाँ पिछली बार एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद सिर्फ 99 सीट आई थी और एक इंडिपेंडेंट को मिला के 100 सीटें हुई थी। इस बार अगर 106 का आंकड़ा पहुँचती है कांग्रेस पार्टी अपने एग्जिट पोल के मुताबिक, तो मुझे लगता है ये अशोक गहलोत के लिए की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी उनकी, और ये कांग्रेस नेतृत्व तो को भी सोचना पड़ेगा कि जिन अशोक गहलोत के पीछे पूरी पार्टी पड़ी हुई थी एक तरह से, खास करके सेंट्रल लीडरशिप, वो आखिरकार तारणहार वही साबित हो रहे हैं, उन्हीं की स्कीमें, उन्हीं की योजनाएं, यही सब तो है कि वो वर्ग जो बीजेपी के साथ था उसमें से बड़ा हिस्सा अगर आकर के कांग्रेस साथ आ रहा है तो ये उन, और दूसरा इसमें खरगे इफेक्ट भी देखना पड़ेगा। खरगे साहब का जो है फैक्टर जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर एससी कम्युनिटी, जो दलित समुदाय आए हैं दोनों राज्यों में कांग्रेस के साथ, उसका वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं खरगे का भी एक इफेक्ट है। ठीक है, जल्दी से आपको कुछ बड़ी बड़ी बातें बता देते हैं हमारे सर्वे में जो निकली हैं, क्योंकि प्रो इनकम्बेंसी एंटी इनकम्बेंसी ये बात हो रही है, तो इसमें ये है कि अलग अलग जाति और समुदाय के आधार पर सरकार और गहलोत दोनों के खिलाफ या तो एंटी इनकम्बेंसी है या फिर नहीं है, उनके साथ खड़े हैं, तो जाति के आधार पर और इसी के साथ इलाकों के आधार पर, वेरियस कम्युनिटीज एंड रीजन्स ऑफ द स्टेट, ये अलग अलग जगहों पर है, जैसा कि हमने आपको क्षेत्रवार तरीके से नंबर्स भी दिखाए। वहीं कांग्रेस जो है वो शेड्यूल कास्ट में, जो दलितों की बात वो कर रहे थे, मेघवाल, शेड्यूल ट्राइब, मीना, मुस्लिम वोट्स, ये उनके साथ रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ, चाहे वो ब्राह्मण, राजपूत, ओबीसी वोटर, जिस पर मैंने सवाल भी किया था कि क्या कास्ट सेंसस के मुद्दे पर ओबीसी आपकी तरफ नहीं आता हुआ दिख रहा है, तो राजस्थान उसका एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के साथ ब्राह्मण, राजपूत, ओबीसी वोटर आए और 42% जो पूरा पॉपुलेशन है यहाँ का, यहाँ की जनसंख्या है, वो यही जातियां तय करती है। जाट और गुज्जर दोनों तरफ है, लेकिन थोड़ा सा आगे बीजेपी, मार्जिनली अहेड बीजेपी है, चाहे जाट हो चाहे गुर्जर हो। देखिए, 40 सीटों की बात मैं बार बार करती हूँ, क्योंकि पिछली बार गुर्जर वोट, खुद
सचिन पायलट गुर्जर नेता है, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने आखिरी की अपनी रैलियों में सचिन पायलट का जिक्र किया, उनके पिता राजेश पायलट का जिक्र किया, कहा उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री बनना चाहते थे सचिन पायलट, इससे कोई ये छिपी हुई बात नहीं है, लेकिन फिर भी साथ मिलकर दोनों लड़े, उसका भी असर दिख रहा है क्योंकि 106 तक कांग्रेस पार्टी पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ गुज्जर वोट जो है वो भारी तादाद में पिछली बार 40 में से 27 सीटों पर पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ गया था, वो इस बार मार्जिनली बीजेपी की तरफ ज्यादा है क्योंकि शायद वो समझ गए कि मुख्यमंत्री उनका नहीं बनने वाले हैं सचिन पायलट। अब हम आपको स्कीम्स में हमने आपको पूरी बता दी, तो जब ये सर्वे प्रधानमंत्री को लेकर लोगों से प्रश्न कर रहा था तो बीजेपी के लिए वोट करने वाले 70% लोग ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से हमने बीजेपी को वोट दिया, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। कांग्रेस पार्टी जो है वो कहां कहां पर लीड कर रही है ये हम आपको बता दें, तो जैसलमेर बीकानेर इलाके में, शेखावटी इलाके में, अहिरवाल इलाके में, ढूंढर जयपुर के इलाके में जहां पर सबसे ज्यादा 44 सीटें हैं, वहीं बीजेपी हड़ौती में, मेवाड़ वागाड़ वाले एक क्षेत्र में जहां पर 41 है, और मारवाड़ गोड़वाड़ वाले पूरे इलाके में यहां पर बीजेपी। अच्छा, 4% महिला वोटर्स जो है वो मेल वोटर्स से ज्यादा है कांग्रेस पार्टी के लिए, तो ये भी एक इशारा कर रहा है कि महिलाओं का भी वोट कांग्रेस पार्टी को इस सर्वे के मुताबिक बढ़ चढ़कर मिला है। अब हम मुख्यमंत्री की पसंद पर आते हैं और आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री की पसंद के तौर पर जब चेहरों की बात हुई तब यहां पर राजस्थान की जनता ने किस पर अपनी मुहर लगाई है। बात अब मुख्यमंत्री के चेहरे की हम रखने वाले हैं आपके सामने, तो यहां पर जो उनके पास चॉइसेस थे, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, महंत बालकनाथ, वसुंधरा राजे, दिया कुमारी, हनुमान बेनीवाल, ये भी दिलचस्प है। सबसे पहले अशोक गहलोत 32% वोटों के साथ है, उसके बाद महेंद्र बालकनाथ योगी, नाथ संप्रदाय के हैं और इस पूरे मेवात के इलाके में उनका अच्छा खासा असर। यहां पर देखिए 9% के साथ, लेकिन वसुंधरा राजे तीसरी जगह पर है, अशोक गहलोत, लेकिन ये नंबर्स ये प्रूव करता है कि एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी जो लहर होती है वो अशोक गहलोत के खिलाफ नहीं। जल्दी से एक बात और, इसका मतलब बीजेपी आला कमान सही सोच रहा था कि उन्होंने इनको वसुंधरा के नाम को आगे नहीं किया क्योंकि उनकी उनकी उनके प्रति पसंद उतनी नहीं है जितना कि दूर बैठे लोग ये मानते थे कि वसुंधरा के बिना काम नहीं चलेगा। हाँ। इसका मतलब ये मिथ टूट रहा है बिल्कुल, और ये देखिए ना, ये मिथ सिर्फ वही टूट रहा है। मैं आपको बताऊं, जब मैं फील्ड में थी मैंने कई लोगों से पूछा जो बीजेपी के लिए वोट करने वाले थे कि आप किसको चुनेंगे, तो उनमें से कई लोगों ने महंत बालकनाथ का नाम लिया और कहा कि यहाँ क्या, और वो भी अपनी ब्रांडिंग वैसे कर रहे हैं, नाथ संप्रदाय के हैं, 39 वर्षीय हैं, यादव परिवार से आते हैं, इस बार वो तिजारा सीट से चुनावी मैदान में हैं और हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर उन्होंने अपना पूरा प्रोजेक्शन वहां पर किया हुआ है। बार बार जाते हैं तो सीधा पहले यही पूछते हैं, भारत पाकिस्तान मैच देखा था वर्ल्ड कप में, तो वो एक जो माहौल उन्होंने बनाया है और शायद इसी वजह से वो वसुंधरा राजे को इस तरह के रेस में पीछे छोड़ रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है। ये राजनीति में एक खास पसंद का भी द्योतक है बिल्कुल, और योगी ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव तरीकों से शायद जो एक पहचान बनाई है कि एक जो बुलडोजर राजनीति, बुलडोजर पॉलिटिक्स कहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर भी जो उन्होंने अपनी एक पकड़ बनाई है वो एक बताता है कि ऐसे लोगों पर अब लोगों का भरोसा हो रहा है कि यहाँ पर आएंगे तो ये रुक जाएगा या वो थम जाएगा, जो भी लोगों की सोच हो, इसी वजह से आप सोचिए कि 10% वोट उनको जा रहे हैं, 30% पे अशोक गहलोत है, 10 पर वो दूसरे पायदान पर है और 9% पर वसुंधरा राजे है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारा ये सर्वे बता रहा है कि अशोक गहलोत के खिलाफ उस तरह का गुस्सा नहीं दिखाई दे रहा है, ये साफ है बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत बड़े मार्जिन से महिलाओं के बारे में बात की कि महिलाओं का जो 4% वोट, अशोक गहलोत का पूरा कैंपेन पिंक रंग से था। हाँ। पूरा आपने देखा होगा कि उनका पूरा प्रचार अभियान जो था वो गुलाबी रंग में था, यानी वो बात को पहले ही उन्होंने महिलाओं को अपने वोट बैंक के रूप में, अपने जनाधार के रूप में चिन्हित कर लिया था। हाँ। और शायद ये उनके उनको फायदा दे गया है अगर यही एग्जिट पोल के जो आंकड़े वो नतीजों में तब्दील होते हैं। एक दिलचस्प बात बहुत ये भी है कि अगर आप इस पूरे आंकड़े को देखिए तो टाइट मैच के तौर पर बीजेपी इसको मानना चाहेगी और वहीं कांग्रेस पार्टी कहेगी कि देखिए अपर एज में हम देखें तो हम पिछली बार से आगे ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी एंटी इनकम्बेंसी सत्ता विरोधी लहर नहीं दिख रही है इस एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक। ये बहुत बड़ी बात है जो कांग्रेस पार्टी के क्रेडिट में जाएगी क्योंकि राजस्थान में 3 दशक से सत्ता परिवर्तन होता ही रहा है
और अगर उसको रोकने में कांग्रेस पार्टी कामयाब रहती है तो उसको एक बड़ी जीत के तौर पर वो जरूर 2024 के पहले बुनाएंगे। आपको बड़ी बड़ी बातें बता देते हैं, इस पूरे रिजल्ट में अभी तक के आंकड़े ये साफ इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर अपर नंबर की तरफ बढ़ती है तो वो सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी सेंचुरी मारती हुई दिख रही है अपर एज में, तो 101 सीट्स चाहिए होता आपको सरकार बनाने के लिए। एक बार अगर हम बड़े वाले ग्राफिक्स में फिर से आंकड़े अपने दर्शकों के सामने रख दें तो 80 से 100 पर आपको बीजेपी दिख रही है, तो 86 से लेकर 106 सीटों पर कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। चुनाव फंसा हुआ है, नहीं फंसा हुआ है, रिजल्ट एक तरफ है, सत्ता में वापसी होगी नहीं होगी, दो तीन बड़ी बातें साफ कही जा सकती है कि क्षेत्रवार तरीके से ही सत्ता के विरोध में या उसके साथ खड़े हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, विशेष जातियों में, विशेष क्षेत्रों में, और यही तस्वीर साफ बनती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते हुए छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों के ही आंकड़े दिखाते हुए एक बार जल्दी से अगर हम जैकेट ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दें तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है, जहां उनके पास क्लियर मैंडेट है, 50 उनका अपर एज है। लोअर एज में भी अगर आप देखेंगे तो वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं राजस्थान में भी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यहां पर देखिए 40 से 50 छत्तीसगढ़ में कांग्रेस, यहां राजस्थान में 86 से 106 का मामला है। तो यहां पर भी मुझे लगता है कि सबकी सांसें अब 3 दिसंबर तक अटकी ही रहेंगी, इसमें क्या ही क्लियर बोला जाए। नेताओं की सांसें तो अटक ही गई है। कम से कम जो लोग इस आज तक एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल के भरोसे रहते थे, वो तस्वीर उतनी जगमग किसी एक के लिए नहीं दिख रही है, चाहे वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात हो।